भाई जन धर्म की हत्या करी सुनो चितलाई शुक्राचार्य कहने लगे मौका है धर्म छोड़ दिया उसने। अरे सेना बलराज ने सजाई और देवताओं को मार मार के गिरा दिया और 11 घाय लगे फरसा के देवराज इंद्र में, इंद्र प्राण छुपा के भाग गया। इधर तो देवराज इंद्र घायल हो गए, इधर हमारे भैया ग्राम पटसुआ के जी ठेकेदार जी श्री जितेंद्र भैया जी ठेकेदार जी यादव जी मेरे गुरुदेव जी को वस्त्र 5 वस्त्रों से और हमारे गुरु भाइयों को पीतम से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया जी इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्या नाम है? हाँ भाइयों, इधर तो राजा बल इंद्रासन पर बैठ गया है, इंद्र भाग गया और इधर जितेंद्र भ्राता श्री हमारा सम्मान वस्त्र दान करके पुष्पों की माला समर्पित करके और सबको एक एक पीतम्बर देकर सम्मानित करते हैं। भगवान सर्वदा इनके ऊपर रक्षा करे और धर्म पर चलने की शक्ति प्रदान करता रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। भाइयों, तो आपने सुना कि जब इंद्र धर्म से गिर गया तो बल इंद्रासन पर बैठ गया। ग्यारह घाय फरसा के लगे इंद्र गुफाओं में जाकर के औषधियां ढूंढ करके इलाज करवा रहा है छुपा हुआ। तो बल ने कहा शुक्राचार्य जी से, गुरुदेव एक बात बताओ, क्या आधा मरा सांप और अधमरा दुश्मन चौगुना जहर फैलाता है, इंद्र जिंदा है वो किसी दिन हमें नीचा दिखाएगा, इसलिए कोई इस तरह की हमें अकल बताओ गुरुदेव कि सर्वदा के लिए इंद्रासन मेरा हो जाए। कहने लगे हैं उपाय है, क्या एक सौ एक अश्वमेध यज्ञ अगर तुम निर्विघ्न पूर्ण कर लो तो ये इंद्रासन इंद्र का बाप भी नहीं ले सकता। तो वैद्य विधान